और ये कुछ लोगों को सुनने में अजीब भी लगने वाला है, क्योंकि ये उल्टा है उससे जिसकी बात की जाती है सक्सेस से रिलेटेड, लेकिन ये सच है विद प्रूफ। आपने अपनी लैंड को फर्टाइल किया, एक बीज बोया, आज वो बीज पेड़ बन गया, उसमें फल लग गए। अब अगर आप पागल हो जाओ और आप कहोगे सारे के सारे फल मैं अकेला ही खाऊंगा, किसी को नहीं दूंगा, किसी के साथ शेयर नहीं करूंगा, तो क्या होगा? या तो वो फल सड़ जाएंगे या फिर आप खुद खा खा के मर जाओगे। सिंपल। अब एक ऐसी कहानी है जिसका मेरी लाइफ पे ना बहुत बड़ा असर हुआ है। दो किसान होते थे एक गांव में, एक जैसा काम करते थे, दोनों मरे, भगवान के पास गए। वहां गए जा करके भगवान ने बोला कि हाँ बेटा अब तुम्हें अब क्या बनना है, क्या चाहिए तुम्हें? तो एक किसान बहुत फ्रस्ट्रेटेड गुस्से में भगवान से बोला कि भगवान क्या घटिया जिंदगी दी थी आपने मुझे, कुछ भी नहीं था मेरे पास में, कुछ भी। देखो मेरी आपने क्या हालत बना दी थी, पूरी जिंदगी बस उस बैल की तरह मैं काम करता रहा करता रहा करता रहा, जो भी पैसा कमाता था वो आता था कोई ना कोई मेरे से लेके चला जाता था, मेरे हाथ में कुछ नहीं आया। तो भगवान इस जन्म में कुछ ऐसा कर दो कि मुझे ना किसी को कुछ देना ना पड़े, बस मुझे पैसा मिले 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 मिले, हर तरफ से मिले। भगवान ने कहा तथास्तु, जा बेटा। दूसरा आया, उसको बोला हाँ भाई तुझे क्या चाहिए? कहता भगवान आपने मुझे इतना कुछ दिया कि मैं आपसे क्या मांगू, मेरे को एक अच्छा परिवार दिया था, अच्छा खासा मेरे को काम दिया था, अच्छा गांव था, खाने की कभी कोई कमी नहीं हुई, कभी मैं भूखा नहीं सोया, बस एक ही कमी रह गई मेरी ज़िंदगी में, मेरे दरवाजे पे ना कई बार कुछ भूखे लोग आते थे कुछ मांगने के लिए, बस कुछ ऐसा कर दो कि मेरे दरवाजे से कोई भूखा ना जाए। भगवान ने कहा तथास्तु, जाओ भाई। दोनों का जन्म हुआ उसी गांव में, दोनों बड़े हुए। पहला आदमी जिसने कहा था कि मुझे बस मिले 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 और मुझे किसी को देना ना पड़े, वो बना उस गांव का सबसे बड़ा भिखारी। देना ना पड़े बस मिले 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 मिले। और दूसरा आदमी जिसने कहा था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए बस कोई भूखा ना रहे, वो बना उस गांव का सबसे अमीर आदमी, सबसे अमीर आदमी। सिंपल है, अगर आप हंसते रहना चाहते हो उसका सिर्फ एक ही तरीका है, हंसी दो, हंसी दो। कितना आसान है, और कोई तरीका नहीं है। आप गुस्से से देखते रहो सामने वाले को और एक्सपेक्ट करो यार मेरे को हंसा नहीं रहा हंसा नहीं रहा हंसा, कैसे हंसाएगा यार, कैसे हंसाएगा कोई आपको, आपको कैसे हंसी मिलेगी, कैसे खुशी मिलेगी अगर आप किसी को खुशी नहीं दोगे? आप लड़ते रहोगे तो सामने वाला भी आपसे लड़ेगा ही ना। यहाँ कितने हस्बैंड्स बैठे हैं जो चाहते हैं कि उनकी वाइफ उनको बहुत रिस्पेक्ट करे, सब चाहते हैं, उसका सिर्फ एक तरीका है, अपनी वाइफ को रिस्पेक्ट दो बस, और कोई दूसरा तरीका नहीं है, कोई दूसरा तरीका नहीं है। चाहते हैं लेकिन देते नहीं हैं, प्यार चाहते हैं लेकिन देते नहीं हैं, बस चाहते हैं कि हमें मिले, हमें सब कुछ मिल जाए। अब मैं जो बात बोलने वाला हूँ उसमें झटका लगने वाला है यहाँ पर बहुत सारे लोगों को, बहुत तेज़ झटका लगेगा। अब यहाँ कितने लोग हैं जो चाहते हैं उनके पास बहुत सारा पैसा हो? उसका सिर्फ एक तरीका है, पैसा दो। कुछ लोग जो तालियां नहीं बजा रहे ना वो बहुत सीरियस हो गए, उनको लग रहा है मैं एक डब्बा लेके आ जाऊंगा, दस रुपए दस रुपए दस रुपए दस रुपए दस रुपए दस रुपए। पैसा दो, पैसा कोई कैसे दे सकता है? पैसे के बारे में तो बहुत अजीब अजीब चीजें हमारे अंदर बैठी हुई हैं और बहुत गहराई तक बैठी हुई है। बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, राइट? और कुछ लोग हैं उन्होंने सच मान लिया इस बात को, वो सही में अपने माँ बाप से लड़ रहे हैं, अपने भाई बहनों से लड़ रहे हैं पैसे के लिए, पैसे के लिए। मैं ये नहीं कह रहा पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो कहना बेवकूफ़ी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन पैसे की इंपॉर्टेंस सिर्फ इतनी है जितनी एक गाड़ी में पेट्रोल की होती है।
ना उससे ज्यादा ना उससे कम। बिना पैसे के आपकी जिंदगी की गाड़ी नहीं चलेगी, ये बात सच है। लेकिन यहां कितने लोग हैं जो अपनी असली जो गाड़ी है या बाइक है वो सिर्फ पेट्रोल के लिए चलाते हैं, सिर्फ पेट्रोल इकट्ठा करने के लिए। गाड़ी जाते हैं पेट्रोल पंप से, पेट्रोल खरीदते हैं, अंदर गाड़ी में रखा, वहां से लिया पेट्रोल गाड़ी में, लिया गाड़ी में, लिया गाड़ी में। कितने लोग हैं? एक भी नहीं। तो भाई पैसे में क्या हो जाता है, वहां क्यों अटक जाते हैं जा करके? और हम बेवकूफी कर बैठते हैं क्यों? क्योंकि दुनिया में ज्यादातर लोग कर रहे हैं तो हम सोचते हैं यही सही होगा ना, जब ज्यादातर लोग यही कर रहे हैं तो यही सही होगा, जबकि अंदर से हमको पता है ये सही नहीं है। चारों तरफ पेट्रोल ही पेट्रोल, पेट्रोल ही पेट्रोल, पेट्रोल ही पेट्रोल, इतना पेट्रोल कि किसी के बैठने तक की जगह नहीं है गाड़ी में, सांस लेने तक की जगह नहीं है। एक दिन हल्की सी चिंगारी लगती है, आग लगेगी और खुद ही जल के मर जाएंगे। हो रहा है ना? हो रहा है, जल रहे हैं वो लोग। दुनिया की नजर में वो सक्सेसफुल हो सकते हैं, अपनी नहीं, अपनी नहीं। और मैं कोई थियोरेटिकल बात नहीं कर रहा। अगर एक तरफ आप एक आदमी को रख दो जिसके लिए पैसा ही सब कुछ है, जो बहुत सेल्फिश है, और उसके पास बहुत सारा पैसा है मान लो, लेकिन सिर्फ पैसा है और कुछ भी नहीं है, कोई खुशी नहीं है, कुछ नहीं है, ना वो खुशी देता है ना वो खुश होता है। और दूसरी तरफ एक ऐसा आदमी है जिसके पास पैसा चाहे थोड़ा सा कम है, लेकिन उसका सिर्फ एक काम है, दुनिया में हंसी खुशी बांटना। तो ऐसा आदमी जो हंसी बांट रहा है, खुशी बांट रहा है दुनिया में, उसके पास पैसा चाहे कम हो, वो लाख गुना ज्यादा सक्सेसफुल है ऐसे करोड़पतियों से, लाख गुना ज्यादा। इसको असली सक्सेस बोलते हैं। और दूसरी तरफ ऐसे लोगों को लाके यहां पे खड़ा कर दो जिनके पास पैसा बहुत है लेकिन अंदर से देने की हिम्मत नहीं है, शेयर करने की हिम्मत नहीं है, खुशी की हिम्मत नहीं है, खुशी देने की, हंसी देने की। वो यहां पे खड़े होकर के किसी की आंख में आंख मिला करके बोल नहीं सकते कि मैं सक्सेसफुल हूं, नहीं बोल सकते। दुनिया उनको बोलती है लेकिन वो नहीं। अब बात करते हैं प्रैक्टिकली ये किस तरीके से काम करता है, शेयरिंग का फंडा। मेरी लाइफ में एक ऐसी स्टेज थी जब मैं फोटोग्राफी करता था तब मैं अकेला ही सब कुछ करता था, मतलब मैं खुद ही पियोन था, खुद ही अपना फर्श साफ करता था, घर में ये कोने में छोटा सा एक टेबल चेयर लगाई हुई थी, खुद ही लोगों के लिए पानी लेके आता था, खुद ही फोटोग्राफी करता था, हाँ खुद ही काउंसलिंग करता था, खुद ही बातें करता था। उस टाइम पे मुझे समझ आ गया कि मैं अकेला सब कुछ नहीं कर सकता, तो एक फ़ीमेल को रिक्रूट किया, किसी के रेफरेंस से एक फ़ीमेल ने ज्वाइन किया। जब वो फीमेल आई जॉब के लिए तो उसने बोला कि मेरे को 10,000 रुपये सैलरी चाहिए। मैंने कहा मैं तुम्हें 10,000 रुपये तो नहीं दे सकता, 8,000 रुपये दे सकता हूँ। तो उसने ज्वाइन कर लिया। उसके 2 महीने के अंदर अंदर जब उसने ज्वाइन किया तो काम धीरे 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 बढ़ने लग गया। 2-3 महीने बाद मेरे दिमाग में क्या आया कि यार आज मैं 20-25,000 रुपये महीने का कमाता हूँ, उसमें से 8,000 रुपये तो ये लड़की ले जाती है, मैं तो बेवकूफ़ हूँ। तो मैंने बड़े पोलाइटली उसको बोला कि भाई ऐसा है कि मैं तुम्हें 8,000 रुपये नहीं दे सकता, मैं तुम्हें 6,000 रुपये दे सकता हूँ, करना है करो नहीं तो चले जाओ। तो वो छोड़ के चली गई। वो जब गई उसके 1 साल तक मैं जहाँ था वहीं का वहीं अटका रहा, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाया, एक कदम भी। कोई भी आदमी हो या कहीं भी है इस दुनिया में, अगर वो कहता है ना कि मैं अकेले सब कुछ कर सकता हूँ तो वो झूठ बोल रहा है। उसको लोग चाहिए उसकी मदद करने के लिए, मगर कोई किसी की मदद क्यों करेगा? हर आदमी पहले अपनी मदद करेगा, तो वो आपकी मदद सिर्फ तब करेगा जब आप उसकी मदद करने की सोचोगे। सिंपल। एक बड़ा आसान सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं यहां पे, कितने लोग हैं? 2 कंपनीज हैं, 2 कंपनीज। एक कंपनी जो क्या करती है, जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो बहुत मीठी मीठी बातें करती है आपसे कि भाई यहाँ पे ये होगा, वो होगा, वो होगा, वो होगा, आप चिंता मत करो सब अच्छा होगा। आप जा करके ज्वाइन करते हो तो आपकी हालत ख़राब कि नहीं नहीं ओवर टाइम का किसने कहा था तुमको पैसे मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, करना है करो नहीं करना छोड़ दो। 8 घंटे की जॉब बोला और 10-10 घंटे काम करा रहे हैं, 12-12 घंटे काम करा रहे हैं और ओवर टाइम भी नहीं दे रहे। ऐसी कंपनीज हैं बहुत सारी, बहुत सारी है। दूसरी तरफ एक कंपनी है जो बोलती है वो ही करती है। उसने कहा कि 8 घंटे काम है तो 8 घंटे है, ऊपर है तो ओवर टाइम है, ये है तो ये है, उसके अलावा आपके बारे में सोचती भी है। तो आप कौन सी कंपनी के साथ जाकर के जुड़ोगे, पहली या दूसरी? अब एक बात बोलूं सच सच कि यहां जिसने बोला ना दूसरी कंपनी के साथ जाकर के हम जुड़ेंगे, वो ही लोग
अगर आज जॉब कर रहे हैं, कल वो अपनी कंपनी खोलेंगे तो वो खुद वो पहली कंपनी बन जाएंगे। भूल जाएंगे। अब जब उनकी अपनी कंपनी होगी तो चाहेंगे कि अगर ये 8,000 का आदमी है तो हमको 5,000 में मिल जाए किसी तरीके से। क्या कर रहे हैं यार, क्या कर रहे हैं। दो तरह के लोग हैं इस दुनिया में, एक वो जो शेयरिंग में बिलीव करते हैं और एक दूसरे वो जो नहीं करते। जो नहीं करते ना, आज नहीं तो कल एक एक करके उनके सारे हाथ पैर कट जाएंगे। एक स्टेज बाद में ऐसा आएगा कि धीरे धीरे हर इंसान उनको छोड़ करके जाएगा, ऐसे लोगों के पास जाकर के जुड़ेगा जो लोग शेयरिंग में दिल से बिलीव करते हैं। आज उनके दो हाथ होंगे, धीरे धीरे चार हाथ होंगे, फिर 10 होंगे, फिर 100 होंगे, एक दिन उसके हजारों हाथ होंगे। और उस दिन जो होगा उसके लिए सक्सेस एक बहुत छोटा वर्ड है, उस दिन मिरेकल होगा, मिरेकल।